स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन चैनल स्टडी अभी टाइम पर। इस वक्त की दोस्तों भारतीय रेलवे से और भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों यहां पर आ चुकी है। जितने भी यहां पर बाहर फंसे किसान मजदूर बेरोजगार नौजवान छात्र यानी कि अपने घर जाने का, देश भर में सभी इस लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे, अपने घर जाने का बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और ट्रेनें और बसें चलने का यहाँ पर देख रहे थे कब से ट्रेनें चलाई जाएंगी या बसें कब से चलाई जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली फैसला हो चुका है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे सफ़ेद कर लें, स्टडी अपडेट टाइम के सामने होगा और यानी कि नोटिफिकेशन को आप ऑल कर लें और यहाँ से एक वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करें और यहाँ से एरो के निशान से शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलता रहेगा और हर एक अपडेट भी आपको प्राप्त होती रहेगी। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। तो नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस राज्य में फंसे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ से ट्रेनों का चलने का प्रारंभ हो चुका है दोस्तों, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलके हर एक अपडेट आपसे मिलती रहे। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बता देना चाहते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर केंद्र सरकार से विशेष अपील की थी ट्रेन चलाने को लेकर के, यानी कि बिहार के CM ने भी यहाँ पर अपील की थी, जो सुशील मोदी उन्होंने अपील की थी, पंजाब के जो CM है अमरिंदर कैप्टन सिंह उन्होंने भी केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने को मांग की थी। उसके बाद राजस्थान की बात कर लेते हैं, अशोक गहलोत जी ने यहां पर केंद्र सरकार से भी अपील की थी। महाराष्ट्र के CM उन्होंने भी स्पेशल ट्रेन की चलाने की मांग की थी, फिर उन्होंने अपना फैसला चेंज कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें, करीब 6 राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने केंद्र सरकार से यानी गृह मंत्रालय से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की थी कि जितने भी बाहर फंसे हुए प्रवासी मजदूर हैं और यानी कि जितने भी यहाँ पर रह रहे हैं लॉकडाउन 2.0 के चलते, उन सभी को विशेष स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया जाए और उनको घर तक भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने और अभी दोस्तों गृह मंत्रालय ने यहाँ पर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है कि रेलवे मंत्रालय इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा, उसके साथ साथ राज्य सरकार भी इन सभी मजदूरों को घर तक छोड़ने का साथ देंगी और साथ में ही उनका खाने पीने का भी जितना भी खर्चा है वो सभी राज्य सरकारें उठाएंगी और केंद्र सरकार ने सभी को मंजूरी दे दी है। और दोस्तों वहां से आपको लाया जाएगा तो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जिससे आपके पूरे शरीर का चेकअप हो सके कि आपके अंदर कोई भी ऐसी बीमारी तो नहीं है या कोई संक्रमण के लक्षण तो नहीं पाए जा रहे हैं। फिर आपको 14 दिन रखने के बाद वहाँ से भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ट्रेनें यहाँ पर 2 रवाना और होंगी दोस्तों, उसके पहले यहाँ पर 2 ट्रेनें और चलाई जा चुकी हैं। उससे पहले दोस्तों एक ट्रेन यहाँ पर सुबह चल चुकी थी 4:30 बजे करीब, वो चली थी तेलंगाना से यानी झारखंड हटिया के लिए, जिसमें करीब 1200 मजदूर अपने घर आए थे। उसके बाद शाम के 6 बजे एक ट्रेन और चलाई गई थी केरल से उड़ीसा भुवनेश्वर के लिए, उसमें भी करीब 1200 मजदूर गए थे, यानी कि 24 डिब्बों थे उसमें, उसके एक प्रत्येक डिब्बे में 56 यानी कि मजदूरों को यानी श्रमिकों को बैठा रहा गया था। उसके बाद कुछ ही देर बाद 2 ट्रेनें और रवाना होने वाली हैं और वो 2 ट्रेनें दोस्तों वो भी बड़े राज्यों के अंदर ही जाएंगी। तो दोस्तों आप सभी को हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस राज्य में फंसे हुए हैं और कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं, जिससे आपको हर एक अपडेट यहाँ पर मिलता रहे। जैसे ही हमारे पास कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से, जिससे आपको हर एक जानकारी प्राप्त हो सके, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा लाल बटन दबा करके और आपको बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करना होगा, जिससे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए, कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। तो दोस्तों कुछ ही देर में 2 ट्रेन और रवाना होने वाली है, जिससे कि आप